हेलो गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ वाहर के को नए एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारी उसू जी है वो हमारे चेउन सांग और जो गोंगचान के बीच में जो भी बातें होती हैं उन्हें सुन लेती है। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है उसकी स्टार्टिंग होती है, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अब जो हमारे चेउन सांग है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है, इसे इतना बड़ा धोखा मिला है पर तब भी ये उसू जी की तरफदारी कर रहा है और उसके बाद वहां चले जाते हैं। तो ये बात सुन के जो हमारी उसू जी है उन्हें भी काफी ज्यादा दुख होता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये मेरे ऊपर इतना विश्वास कैसे कर सकता है। तो अब जो हमारे गोंगचान है वो अपने फ्रेंड को सब कुछ बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये बात मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी कि जो उसू जी है उन्होंने उस समय कोर्ट में जो विटनेस था उसे दिखाया नहीं था, क्योंकि जब मैंने लॉ स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने कई सारी चीजें सीखी जिसमें मुझे ये चीज भी सीखने को मिली कि जो उसू जी है उसने इस समय ऐसा क्यों किया था। तो मैं समझता हूँ उसकी उस कंडीशन को, उसने ये वाला फैसला क्यों लिया, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो तो थोड़ी परेशानी में थी। तो यहाँ पर जो उनके फ्रेंड है उनसे कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर ओसू जे वो कैसे करके समझेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे संग गलत किया और शायद वो तुम्हें तो कभी फेस भी कर पाए। और दूसरी साइड जो हमारी ओसू जे है अब अपनी फ्रेंड को बुला लेती है और उनसे कहती है कि मेरी गलती है, मैंने सब कुछ गलत किया है। और जो उनकी फ्रेंड है उनसे कहती है कि हाँ एक बार गलती हो गई मैं मानती हूँ, पर तुमने जानबूझ के नहीं किया। तो जो हमारी उसू जी उनसे कहती है कि गलती गलती होती है, चाहे वो जानबूझ के हो या फिर अनजान में हो, पर मुझसे गलती हुई है और मैं उसे कभी फेस नहीं कर पाऊंगी, मुझे इस बात का दुख रहेगा। तो उसके बाद हमारी उसू जी SP लॉ फर्म के CEO से मिलने आ जाती है, उनसे कहती है कि जो व्यक्ति जी ने किया मैं उसे माफ नहीं करूंगी, पर यहाँ पर वो तीन लोग हैं उनको भी सेहत दिलवाना जरूरी है। और उसके बाद वो उनके संग हाथ मिला लेती है। तो यहाँ पर जो हमारे गोंगचान है वो हमारे व्यक्ति जी को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद अब जो हमारे व्यक्ति जी है वो अपने आखिरी दिन में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखते हैं, मतलब एक कोर्ट रूम प्रोग्राम, जहाँ पर जो उनके स्टूडेंट है वो एक केस लड़ेंगे। और जो केस होता है वो हमारे गोंगचान के 10 साल पहले वाले केस की तरह होता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, बस नाम अलग। तो यहाँ पर जो केस होता है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो जो हमारे गोंगचान है वो प्रोसिक्यूटर है और जो चेउन सांग है उनके अपोजिट लॉयर है। तो उसके बाद अब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो हमारे गोंगचान है वो अपनी पूरी दलीलें रखते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये सब चीजें हुई थी तो मैं फिंगरप्रिंट पे निशान लेने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो हमारे चेउन सांग है वो भी उनसे कह देते हैं कि जब उस पे मेन सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट मिल गए तो हम अदर फिंगरप्रिंट पे क्यों इतना ध्यान दें। पर तभी यहाँ पर जो हमारे चेतेगोक है उनकी एंट्री होती है और जो वहाँ के जज होते हैं वो एकदम कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर आपके होते हुए मैं यहाँ पर कैसे जज कर सकता हूँ। और उसके बाद जो हमारे चेतेगोक है अब वो यहाँ पर जज की जगह पर बैठे आते हैं और जो केस होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे चेतेगोक है अब वो दोनों साइड की बातों को सुनते हैं और आखिरी में उनसे पूछ जाता है कि सर आपका क्या फैसला है। तो जो हमारे चेतेगोक है वो फैसला हमारे चेउन सांग की साइड में ही करते हैं और वो कहते हैं कि जब नाइफ पे मेन सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट मिल गया तो अदर फिंगरप्रिंट पे इतना ध्यान की जरूरत नहीं है और जो हमारे चेउन सांग है वो केस को जीत जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे गोंगचान है उन्हें बुरा तो लगता है, तो हमारे गोंगचान सीधा भागते हुए जो चेतेगोक है उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने जो फैसला सुनाया है क्या वो फैसला सही है, आपको ऐसा लगता है कि जो मेन सस्पेक्ट है वो ही यहाँ पर कातिल है। तो जो हमारे चेतेगोक है उनसे कह देते हैं कि हाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता है। और जो हमारे गोंगचान है अब वो उस केस को 10 साल पहले वाले केस से जोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि 10 साल पहले आपके पास जो केस आया था क्या आपको वही सेम चीज इसके अंदर लगती है। तो वो उनसे कह देते हैं कि हाँ मुझे सेम चीज वही लगती है इसके अंदर। तो उनसे कहते हैं कि अगर किम दोंग होता ना तो मैं उससे यही बात कहता कि बेटा मुझसे दूर रहो और अगर मेरे लफड़े में पड़े तो तुम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे। और वो उन्हें थोड़ी धमकी दे के वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे चेयुबान है अब वो मतलब अपने डैड के ऑफिस में आते हैं और जो मिस्टर हा है वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि जो गोंगचान है वो किम दोंगू है। तो यहाँ पर जो हमारे चेतेगोक के सन है अब वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि आपको 10 साल पहले उस आदमी को हिले लगाना था, पर आप एक काम करने में फेल हो गए, आपसे एक काम नहीं हुआ। और उसके बाद वो उनके ऊपर डांटने लगते हैं, पर यहाँ पर जो हमारे चेतेगोक है वो उन्हें शांत करा देते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम शांत रहो, तुम यहाँ पर कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में सब कुछ हुआ है। पर गोंगचान को ये वाली बात समझ में आती है कि उन्हें एक बार उसू जी से मिलना ही पड़ेगा, तभी उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। और उसके बाद वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हमारे उसू जी घर पर वो सबसे पहले उन्हें कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं
कि हमारे बीच में जो कुछ भी है अब वो सब कुछ बराबर हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कल रात को हमारे बीच की जो भी बातें थी, मतलब चेउनसांग की और मेरी, तो यहाँ पर जो भी हमारे बीच की प्रॉब्लम है अब वो खत्म हो गई। पर जो हमारी उसूजी है उनसे कहती है कि ये प्रॉब्लम इतने लिए खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारे संग जो किया है वो इसके बराबर नहीं है, और उसके बाद वो उनसे जाने के लिए कह देती है। पर जो हमारे गोंगचान अब उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा करके इस प्रॉब्लम से भाग नहीं सकती, तुम्हें इसे फेस करना होगा। और जो हमारी उसूजी अब वो काफी ज्यादा रोने भी लगती है, और उसके बाद वो उन्हें एक मैसेज करती है कि हम अंदर आके बात करते हैं, और उसके बाद उन्हें अंदर बुला लेती है। तो यहाँ पर जो हमारे गोंगचान उनसे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, और मैं भी भूल चुका हूँ, और अगर बात करें कि तुमने जो कुछ भी किया है तो उसके बारे में मुझे पता है, और मुझे इस बात से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तुमने कुछ किया है वो गलत है या फिर सही है। तो जो हमारी उसूजी है उनसे कहती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जो हमारे गोंगचान है वो बेचारे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तो जो हमारे गोंगचान है तभी उनकी नज़र एक वाइट बोर्ड पर पड़ती है, और जब वो उसे घुमाते हैं तो उन्हें जो पूरी प्लानिंग होती है हमारी उसूजी की, कि उन्होंने कैसे करके जो किम दोंगु का केस है उसे पूरा ब्रीफ किया। पर जो हमारे गोंगचान उनसे कहते हैं कि अब मैंने सब कुछ देख लिया है, क्या तुम मुझे अब सब कुछ खुल के बताओगी। तो जो हमारी उसूजी अब उन्हें बताती है कि उस रात एक्चुअली में क्या हुआ था, और उन तीन लोग के बारे में बताती है कि ये तीन लोग कौन है जिसके कारण तुम्हारी सिस्टर की और जो कांगन से है उसकी जान गई है यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारे गोंगचान है जब वो उन तीनों का नाम सुनते हैं, हमारे चेयरमैन हान के सन का, और जो मिस्टर लिए उनके सन का, और जो हमारे चेतेगो के उनके सन का, तो भाई उनका खून पूरी तरीके से खोल उठता है, और वो कहते हैं कि मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन तीनों को मार दूंगा। पर हमारी उसूजी उनसे कहती है कि थोड़ा शांत रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा, इन तीनों को हमें बहुत ही बुरी तरीके से फंसाना होगा। पर तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी उसूजी है वो किसी को टिप दे देती है, किसके बारे में, हमारे चेयरमैन हान के बारे में, और जो प्रेसिडेंट ली है उनके बारे में। और जो न्यूज होती है अब वो चारों तरफ फैल जाती है, तो भाई यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ली है उनकी इमेज तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि भाई वो बंदा इलेक्शन के लिए रेडी हो रहा है। और जो यहाँ पर हमारे चेयरमैन हान है उनकी कंपनी की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब उनके जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। और बेचारे यहाँ पर जो गोंगचान की मॉम है अब उन्हें आखिरकार जो उनकी डॉटर है उसकी बॉडी मिलती है, और यहाँ पर उन्हें आखिरी बार उस बॉडी से मिलवाया जाता है। तो जो उनकी मॉम है अब वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने भी लगती है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी डॉटर वापस आ गई। और ये सब देख के जो हमारी उसूजी की असिस्टेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और जो गोंगचान है वो भी रोने लगते हैं, क्योंकि भाई उनसे भी ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। तो उसके बाद अब जो हमारी उसूजी है वो हमारे चेतेगुक से फाइनली मिलने आती है, और उन्हें वो ही फोटो दिखाती है उस रात के, जिस रात इन तीनों ने वो कांड किया था। और उसके बाद वो उन तीनों का नाम भी बताती है कि उस रात वहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था, और आपके बेटे ने और जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने उस लड़की के संग क्या किया था। तो जो हमारे चेतेगुक हैं वो पहले मना कर देते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, और अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसे फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसे निकाल लूंगा। और उसके बाद वो उनसे आखिरी में कह देते हैं कि तुम्हें पता लगाना था ना कि जो चेजुनवान है उसकी जो बेटी है उसकी ओरिजिनल मॉम कौन है, मतलब बायोलॉजिकल मॉम कौन है, तो उसकी बायोलॉजिकल मॉम तुम हो। और गाइस जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है।